इन्होंने लकड़ियां वगैरह उठाई हुई हैं। ओए भाई काट दे ओए। ये है भाई वो मंदिर। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग होने वाला है काफी ज्यादा स्पेशल हमेशा की तरह। आज मैं जा रहा हूँ एक बढ़िया से मंदिर में। पहले मैंने यहाँ पे उस मंदिर में कभी भी विजिट नहीं किया, तो आज फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। हेयर वगैरह भी कटवाने, मैंने थोड़े बड़े हो गए हैं। मेरे साथ जा रहा रोहित, मैं इसको बोल रहा था चलने के लिए सुमित को, पर ये बोल रहा मैं नहीं आऊँगा अभी। पर इसने देखो कितना बड़ा गुच्छा सा लटकाया हुआ है ना साथ में। ये मैं इसको बोल रहा हूँ उतार दे, पर ये मानता नहीं है। अब मैं ही उतार दूँगा। उतार दूँ भाई? ऐसे ना लटकती रहती है चाबी बाइक के साथ, ऐसे तो फिर दिक्कत हो सकती है ना। चल चल, तू आगे ही रहेगा हमेशा। तो भाई मैं निकल गया हूँ अभी घर पे। मम्मी भी नहीं थी, नहीं पापा भी नहीं है अभी घर पे। मैंने वैसे कॉल करके बोल दिया मम्मी को कि मैं जा रहा हूँ हेयर कट वगैरह करवाना साथ में, तो साथ में मंदिर में विजिट करने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम आएंगे, बहुत ही काफ़ी बढ़िया सा मंदिर है। तो चलते हैं भाई फिर, मेरे साथ जा रहे हैं अभी दादू। दादू यहीं पर पास तक ही आएंगे मेरे साथ, तो उनको काम है कुछ मार्केट में, उधर छोड़ दूंगा मैं उनको। यहाँ पर लगी हुई है बाइक। भाई दादू पता नहीं कहाँ पे चले गए यार, वो आगे ही चले गए मेरे को लगता है पहले ही। यहाँ पर है रोहित जी, आजा फिर। यहाँ पे मैं वेट कर रहा था सुनील का, हमारा फ्रेंड जो कि आ गए हैं, इसको ही मैं बोल रहा था चलने के लिए। तो अभी हम तीन लोग हो गए हैं, दो बाइक से हो गई हैं। सुनील देखते हैं, बोल रहा मैं ज़्यादा दूर तक तो नहीं आऊँगा, बाजमे तक ही आएगा हमारे साथ। भाई पीछे ही रह गया भाई, कब का वेट कर रहा हूँ मैं उसका, आगे नहीं आ रहा है, पीछे ही रह रहा है। अबे आगे निकल थोड़ा, आगे आ जा। भाई आएंगे सामने वाली दुकान पे, वहाँ पे रश वगैरह कम होगा, तो फिर हम जाएंगे पीछे की साइड इस रोड पे, तो हेयर कट वगैरह करवा के आते हैं फिर। सो गाइस अभी हमने हेयर कट वगैरह करवा लिया, तो ज़्यादा नहीं छोटे छोटे करवाए मैंने, मतलब ड्रेसिंग वगैरह करवाई है फिलहाल। तो अभी निकलते हैं हम अपनी डेस्टिनेशन की और मंदिर की तरफ। भाई इसको किसी का ना हॉट स्पॉट मिला हुआ है, उसमें उसको लूटने में लगा हुआ है। बता क्या डाउनलोड क्या कर रहा है भाई, ऐप्स दफा दफा ऐप्स डाउनलोड किए जा रहे हैं। अभी थोड़े चलेगा इतना दूर तक, बोल रहा भाई अभी क्यों नहीं चल रहा। हो गया डाउनलोड भाई, न्यूट्रल चलते हैं भाई, कोई पता नहीं खत्म हो जाए वहाँ पहुँचे तक। सबसे महंगा मतलब कोई भी यूट्यूब पर आना, सबसे महंगी कैटेगरी किसकी हो तो मोटो व्लॉगर की होती है, क्योंकि बंदे ना पहले पेट्रोल वगैरह फिल करवाना पड़ता है, फिर उसके बाद ट्रैवल होना, तो बाइक में दिक्कत आ गई रास्ते में वो भी करवानी होती है, बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक मोटो व्लॉगर को भाई। जो भी है यूट्यूब पे मेहनत वगैरह कर रहा है ना, सभी को भाई सपोर्ट करो जो भी अच्छा कंटेंट लाता है। ऐसे नहीं भाई, जो माँ की कसम देने वाले होते हैं ना, तुम्हारी माँ को ये हो जाएगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, जो माँ की कसम देते हैं ना उनके लाखों में सब्सक्राइबर है, लिटरली बोल रहा हूँ मैं, चेक कर लेना आप लोग भाई। जो रियल कंटेंट लाता ना उसकी कोई सपोर्ट नहीं है यार आज के टाइम में ना, युवा की आपकी मर्जी यार। पहुंच गए हैं बनपरी वाले पेट्रोल पंप पे, तो यहाँ अभी पेट्रोल करवाते हैं फिल। तो गाइस पहुंच गए अभी हम मंदिर में, ये है सामने की तरफ मंदिर, तो वहाँ से लेके भाई यहाँ तक है, तो चलते हैं फिर अंदर। ये खुला हुआ है, काफ़ी बढ़िया व्यू है यहाँ का। चलते हैं फिर अंदर। ये है भाई वो मंदिर, यहाँ पे है भाई लक्ष्मी नारायण मंदिर, और भाई आगे उस साइड से इस तरफ है भाई शिवलिंग, कुछ लिखा भी हुआ है इसके बारे में, यहाँ पे गायत्री मंत्र वगैरह लिखा हुआ है। अब चलते हैं भाई अंदर, काफी प्यारा मंदिर है भाई, घंटी देख रहे हो। तो आ जाओ आप मेरे साथ, यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया नीचे की तरफ शिवलिंग वगैरह बने हुए हैं इस साइड पे, तो यहाँ पे आ जाओ भाई। तो यहाँ पे है भाई श्री पंचमुखी गायत्री जी का मंदिर है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, उसके बाद भाई यहाँ पे है श्री पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, तो इस साइड पे है फिर श्री राधा कृष्ण का मंदिर है। सो गाइस अभी इस साइड पे आते हैं हम, तो यहाँ पे घंटी कितनी बड़ी बड़ी लगे हुए हैं ना। तो गाइस यहाँ पे है शिव परिवार, यहाँ पे लिखा हुआ है श्री नवग्रह देवता जी, तो यहाँ पे आ जाओ भाई, हम ज़्यादातर परिक्रमा करने के लिए ऐसे स्पेस बना हुआ है।
मतलब मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मेरा ही फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, इसलिए जैसा मेरे को लग रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी काफ़ी बढ़िया, यहाँ पे पीछे की तरफ सरस्वती जी का मंदिर है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल है रियल। इस तरफ भी मंदिर है, यहाँ पे श्री गणेश जी है, ये गणेश जी का मंदिर है। तो अभी चलते हैं बाहर, चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है, काफी शानदार वाला व्यू है यहाँ का। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे नंदी जी, काफी बड़ा भाई ये घंटा, हिलता भी नहीं है, कम से कम भी 2-3 क्वांटल का होगा। शेर देख रहे हो बिल्कुल, हाथ हाथ डाला इसके मुंह में, ओए भाई काट दे, डर गया क्या हुआ, सच में काट देता। इस साइड पे भी है मंदिर वगैरह, हवन कुंड है मेरे को लगता है ये, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है पूरा का पूरा व्यू। भाई यहाँ पे देखो कौन है, ओ भाई 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 भाग रहा क्यूट छोटा सा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लो भाई काफ़ी बढ़िया, देखो ना इन्होंने लकड़ियाँ वगैरह उठाई हुई हैं, जोत वगैरह जला रहे हैं ये, तो काफ़ी बढ़िया ये। तो सिर पे मटका वगैरह रखा हुआ है। तो वैसे अभी फिलहाल तो अब निकले लगे मंदिर से, काफ़ी इंजॉय किया हमने, यहाँ पे फोटो वगैरह लिए इसके, ना भाई कम से कम भी 50 से ऊपर फोटो और 3-4 वीडियो तो बनाई दी होंगी, अभी तक इसको मन नहीं भरा इसका वीडियो बना बना के, वो रहा अभी और फोटो खींच मेरे भाई, कमाल है इसका। तो पानी है जो पीने वाला है, इसमें क्या पीना है भाई, है कौन समझाए भाई, भाई इसने मेरा मतलब जीना हराम करके रख दिया, इसको साथ ला के ना बहुत बड़ी गलती कर दी भाई, बोल रहा फोटो खींच फिर से। सो गाइज मिलते हैं फिर आपको घर पहुंच के। सो गाइज अभी पहुंच गया हूँ मैं घर पे, तो यहाँ पे दादू इनको पूछते हैं, आप वहाँ पे मिले ही नहीं मेरे को, कहाँ पे चले गए थे, बीच से शॉर्टकट है, कौन से रास्ते से गए थे, पूछ रहा हूँ कहाँ से गए थे, आगे से बोल रहे हैं थैंक यू। तो गाइज छत पे आ गए हूँ मैं अभी, होप कि आपको आज का व्लॉग बढ़िया लगा होगा, अगर आपको व्लॉग में कुछ भी कहीं पर भी कोई भी क्लिप इंटरेस्टिंग लगी ना कमेंट करके बताना कि मेरे को ये पार्ट अच्छा लगा तो ये बढ़िया था, और बुरा लगा तो कमेंट करके बता देना कि ऐसा नहीं है ऐसा है। सो सब्सक्राइब कर देना अगर आपको व्लॉग बढ़िया लगा। तो गाइस मिलते हैं फिर आपसे ऐसे किसी नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।